नमस्कार दोस्तों, अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं गुलाब ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। और हम यहां देख रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत पिछले वीडियोस में हमने देखा केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध है ना, और आपातकाल की स्थिति में क्या प्रभाव होता है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों पर और केंद्र राज्य विधायी संबंधों पर। आज हम देखेंगे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत करों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, टैक्स कैसे लगाए जाते हैं, सहायता अनुदान के संबंध में बात करेंगे और साथ ही वित्त आयोग है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि केंद्र और राज्य के मध्य आपातकाल की स्थिति में वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और फिर इसके अगले जो वीडियोस रहेंगे उन अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि केंद्र राज्य के मध्य तनाव के क्या क्या मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत हमने इनको तीन पार्ट में बांटा है, एक तो करों का बंटवारा, दूसरा सहायता अनुदान और तीसरा वित्त आयोग, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग है जो कि केंद्र और राज्य के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में सिफारिश करता है। तो वित्त आयोग कैसे कार्य करता है, कैसे गठन इसका होता है, इसकी भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई संघात्मक संविधान की सफलता हेतु जो भी संघात्मक संविधान है या संघात्मक जो प्रशासन व्यवस्था होती है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कार्य करते हैं, तो जब पहला वीडियो मैंने केंद्र राज्य संबंधों का डाला था तो उसमें बताया था कि संघीय प्रकृति जो भारत की है और व्यवहार में जो अर्ध संघीय प्रकृति है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसके संबंध में अगर आपको जानना हो तो आप पिछले वीडियोस में जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि भारत संघ की प्रकृति किस प्रकार की है और उसके संबंध में हमने चर्चा की थी। तो संघात्मक संविधान की अगर मैं बात करूँ तो संघात्मक संविधान की सफलता हेतु ये जरूरी हो जाता है कि केंद्र के पास ऐसे वित्तीय संसाधन हों कि वे अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके और राज्यों के पास भी संसाधन हो ताकि केंद्र और राज्य दोनों अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। क्योंकि दोस्तों ये माना जाता है कि वित्त ही प्रशासन का हृदय है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि वित्त जो होता है वो प्रशासन का हृदय होता है, तो अगर वित्त नहीं होगा तो प्रशासन करना संभव नहीं होगा। जिस प्रकार से बिना हृदय के मनुष्य के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, उसी प्रकार से बिना वित्त के प्रशासन का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में केंद्र व राज्यों के जो वित्तीय संबंधों का मूल आधार है वो 1935 का अधिनियम है। अंग्रेजों के द्वारा 1935 का अधिनियम पारित किया गया था और आपके संविधान पर लगभग सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी अधिनियम का है तो 1935 के अधिनियम का है। और उसी 1935 का जो अधिनियम है वो हमारे यहाँ के वित्तीय संबंधों का क्या बना, मूल आधार बना। जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है इनका मूल आधार 1935 का अधिनियम। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला था करों का बंटवारा। तो जो कर से राजस्व प्राप्त होता है उसके बंटवारे में अलग अलग प्रकार, जैसे कि कर दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर का जैसे कि आय कर, उत्पाद कर, ये किस प्रकार के कर हैं, प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। कृषि संपत्ति का कर, कृषि का कर, ठीक है, शुल्क हो गए, निगम शुल्क, सीमा शुल्क हो गए, निगम कर हो गए, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो इनमें कुछ करों का जो आरोपण है केंद्र के द्वारा किया जाता है, संग्रहण भी केंद्र के द्वारा किया जाता है। आरोपण मतलब लगाता कौन है इनको, है ना, और संग्रहण मतलब कौन इनका संग्रह करता है। संग्रह करने के बाद फिर ये क्या हो जाते हैं, केंद्र और राज्य में बट जाते हैं, ठीक है। और कुछ होता है अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर के संबंध में अगर मैं बात करूँ तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में GST व्यवस्था लागू की गई, गुड्स एवं सर्विस टैक्स GST व्यवस्था लागू की गई, जो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित। तो 101वां संविधान संशोधन पारित किया गया और भारत में
अनेक प्रकार के जो कर थे उनके स्थान पर एक कर लगाया जाएगा, जिसे हिंदी में वस्तु व सेवा कर कहते हैं। इसमें एक ही कर को तीन हिस्से किए गए हैं, है ना? दो प्रमुख रूप से दो हिस्से हैं, पर तीन हिस्से किए गए हैं, एक केंद्रीय जीएसटी और एक राज्य जीएसटी, साथ ही एक इंटीग्रेटेड जीएसटी भी है जो अंतरराज्यीय वस्तुओं के लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रावधान किया गया है, जो केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा तो वसूला जाएगा, परंतु वो राज्यों के पास जो भी राज्य हैं, जो संबंधित राज्य हैं जहाँ अंतरराज्यीय व्यापार हो रहा है, उनमें क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के स्थान पर इसको जीएसटी को लाया गया, ठीक है? तो सारे अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक कर लगाया गया, जिसे क्या कहा गया, जीएसटी। आगे अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा होता है सहायता अनुदान। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के तहत केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान भी दिए जाते हैं। किन किन चीजों के लिए दिए जाते हैं? तो सबसे पहले से प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, कभी अगर प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है, जैसे कि आप इसमें फोटो में देख रहे हैं, बाढ़ की स्थिति आ जाती है, भूकंप की स्थिति आ जाती है, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। कई बार अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए भी सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं, एसटी एसटी के कल्याण के लिए, सॉरी एसटी एससी के कल्याण के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी राज्य को सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि जिन्हें पिछड़े राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो उनके यहाँ की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है। तो हमने देखा कि किन किन परिस्थितियों में सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। तो पहला है प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, दूसरा है एसटी एससी के कल्याण के लिए, और तीसरा है किसी राज्य को सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं, ठीक है? तीसरा वित्त आयोग। तो अगर मैं बात करूं तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के संबंध में वित्त आयोग की भूमिका भारतीय संविधान में कैसी है? विशिष्ट है, क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले वित्त विभाजन के संबंध में सिफारिश करता है। जो भी कर प्राप्त होते हैं उन करों का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में सिफारिश करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग की स्थिति कि अगर हम चर्चा करें तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, यानी कि ये संवैधानिक आयोग है ना। जिन संस्थाओं की संविधान में व्याख्या होती है उन्हें क्या कहा जाता है? संवैधानिक आयोग कहा जाता है। उसका जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्तमान में ये 5 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के लिए योग्यता की बात करें तो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव, ऐसे व्यक्ति को उसका क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। सदस्यों की बात करें तो सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, या वित्त व लेखाओं का विशेषज्ञ हो, या अर्थशास्त्र का ज्ञान रखता हो, या वित्त प्रशासन का विशेषज्ञ हो, है ना, वित्त प्रशासन जो वित्तीय सेवाएं हैं उनका जानकार हो, तो अगर ये योग्यताएं हैं तो वित्त आयोग का सदस्य बन सकते हैं। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाता है, ठीक है? अब मैं बात करूंगा वित्त आयोग के कार्यों की। तो मूल संविधान में वित्त आयोग के केवल 3 कार्य थे, क्योंकि उस समय पंचायतों या नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, किंतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया,
और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसके कारण अब वित्त आयोग के दो कार्य और बढ़ गए हैं। तो इनके कार्यों का अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य के मध्य कर से जो राजस्व प्राप्त होता है उसके बंटवारे के बारे में सलाह देना, ये इसका हम बात करें तो सबसे प्रमुख कार्य है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले जो सहायता अनुदान हैं उन सहायता अनुदान के विषय में सलाह देना। जो भी सहायता अनुदान दिए जाते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले चर्चा की कि प्राकृतिक आपदा, STSC या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाते हैं, तो इन सहायता अनुदानों के संबंध में भी तो सिफारिश करने का कार्य करता है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अगला कार्य है कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने वाले कोई अन्य कार्य करना। राष्ट्रपति अगर इनको कोई अन्य कार्य सौंपता है तो वो कार्य भी वित्त आयोग के द्वारा किए जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कार्य जोड़ा गया कि पंचायत के वित्तीय स्रोतों को पूरा करने हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि के सुझाव देना कि भाई राज्य की जो संचित निधि है उसमें हम कैसे वृद्धि कर पाएं ताकि जो पंचायतों के वित्तीय स्रोत हैं उनको पूरा किया जा सके, जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि नगर पालिका जो संस्थाएं जो नगरीय निकाय हैं उनके वित्तीय स्रोतों को पूरा करने हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि के सुझाव देना। तो ये वित्त आयोग के कार्य है ना, कि केंद्र राज्य के मध्य कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे के बारे में, केंद्र द्वारा जो सहायता अनुदान दिए जाते हैं उनके बारे में सिफारिश करना, राष्ट्रपति अगर कोई कार्य सौंपे तो उसके संबंध में सिफारिश करना, पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के सुझाव देना, नगरीय निकायों के वित्तीय स्रोतों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के सुझाव देना, ये वित्त आयोग के कार्य। तो ये हमने देखा वित्त आयोग। अब देखना है साहब आपातकाल की स्थिति में वित्तीय संबंधों की क्या स्थिति है। जैसे कि सामान्य कंडीशन में हमने बात की, तो हमने सबसे पहले बात की करों का बंटवारा की क्या स्थिति है। करों के बंटवारे के बाद हमने चर्चा की कि साहब सहायता अनुदान की क्या स्थिति रहती है, और उसके बाद हमने बात की कि साहब जो वित्त आयोग है वो किस प्रकार का संगठन है, वो कैसे कार्य करता है ना। पर आपातकाल की स्थिति में वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू है तो राष्ट्रपति 354 में वर्णित यह शक्ति हासिल कर लेता है कि वो केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित जो उपबंध हैं उनमें संशोधन कर सके। ठीक है, 354 के तहत फिर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति आ जाती है कि वो केंद्र राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित उपबंधों में क्या कर सके, संशोधन कर सके। अगला है अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य में राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन लागू हो तो इसके अंतर्गत राज्य में जो वित्तीय मामलों से जुड़े सभी निर्णय केंद्र के द्वारा लिए जाते हैं, जितने भी वित्तीय मामलों के निर्णय हैं वो फिर कौन लेता है? केंद्र लेता है। साथ ही राज्य का बजट भी कौन पारित करता है? केंद्र सरकार पारित करती है। फिर वो बजट कहाँ पारित होता है? संसद में पारित होता है ना। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो अब उसका बजट कहाँ पारित होगा? संसद में पारित होगा। उसको कौन पारित करता है? केंद्र सरकार उसको पारित करती है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लागू है तो केंद्र राज्य को वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों के पालन करने का निर्देश दे सकता है। वो कह सकता है कि साहब राज्य के जो कर्मचारियों के वेतन भत्ते हैं उनमें कटौती की जाए। साथ ही राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक उसके विचार के लिए
अनिवार्य रूप से आरक्षित किए जाए, है ना। तो जो भी धन विधेयक राज्य का विधानमंडल पारित कर रहा है वो धन विधेयक को पारित करने के लिए अनिवार्य रूप से वो राष्ट्रपति के लिए रखे जाए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो वित्त आपातकाल के समय वित्तीय संबंधों की स्थिति हो जाती है। तो तीन प्रकार के मैंने आपको आपातकाल बताए, एक तो 352 के तहत आपातकाल लागू होता है, एक 356 के तहत क्या स्थिति होती है और एक 360 के तहत क्या स्थिति होती है। तो जब 352 के तहत आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच जो भी राजस्व का वितरण है उससे संबंधित उपबंधों में क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। 356 की अगर मैं बात करूं तो 356 में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस समय वित्तीय मामलों से जुड़े सभी निर्णय केंद्र के द्वारा लिए जाते हैं, साथ ही राज्य का जो बजट है वो भी केंद्र सरकार अर्थात संसद में क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। 360 की बात करूं जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र राज्य को वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों के पालन करने का निर्देश दे सकता है कि जो भी उसे वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांत लगते हैं उनके पालन करने का निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे सकती है। साथ ही जो राज्य के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती करने का निर्देश दे सकती है और राज्यपाल को राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है कि विधानमंडल द्वारा जो भी धन विधेयक पारित किए जाएं वो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे। तो ये आपातकाल के समय वित्तीय संबंधों की स्थिति होती है। अब शॉर्ट में आप इसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न लिख लीजिए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के बाद केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में आए परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। और तीसरा, आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा करें। तो ये तीन महत्वपूर्ण से प्रश्न हैं, इनको आप लिखने का प्रयास कीजिएगा और इससे संबंधित जो भी डाउट्स आपको होते हैं तो प्रतिदिन 4 बजे ये क्लास रहती है तो आप लाइव चैट में आ सकते हैं और अगर आप रिमाइंडर का बटन क्लिक करते हैं तो उसके माध्यम से आपको समय भी पता चल जाएगा कि कितने समय बाद इसको अपलोड किया जा रहा है वीडियो को। तो ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध थे, इनका हम एक बार शॉर्ट में फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत हमने सबसे पहले केंद्र राज्य विधायी संबंध देखे, फिर प्रशासनिक संबंध देखे, आपातकाल के समय केंद्र राज्य विधायी संबंधों वित्तीय और प्रशासनिक संबंधों की क्या स्थिति रहती है उनको देखा। आज हम देख रहे हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत सबसे पहले हमने भूमिका देखी कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में हम क्या क्या देखेंगे। तो हमने देखा कि साहब जो 1935 का जो अधिनियम था वो हमारे यहाँ केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का आधार बना। और वित्तीय संबंधों के अंतर्गत हम देखते हैं कि करों का बंटवारा किस प्रकार से होता है, सहायता अनुदान किन किन परिस्थितियों में दिए जाते हैं, वित्त आयोग की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले भूमिका में हमने देखा कि संघात्मक जो संविधान होता है उसकी सफलता के लिए आवश्यक हो जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों के पास वित्तीय संसाधन हों ताकि वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। भारत में केंद्र राज वित्तीय संबंधों का मूल आधार 1935 का अधिनियम था, ये हमने भूमिका में देखा। फिर हमने देखा कर से प्राप्त राजस्व के बंटवारे की क्या स्थिति है, है ना। तो प्रत्यक्ष करों का बंटवारा कैसे होता है, वहाँ प्रत्यक्ष करों के स्थान पर GST को लाया गया है। तो यहाँ हमने देखा 101वां जो संविधान संशोधन लाया गया संसद में उसके माध्यम से GST को लागू किया गया।
तो एक केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और अंतर्राज्यीय वस्तु के लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रावधान किया गया। फिर हमने देखा सहायता अनुदान, तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के तहत सहायता अनुदान में हमने देखा कि केंद्र के द्वारा समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं, ST/SC के कल्याण के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं, और किसी राज्य को सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी सहायता अनुदान दिए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने वित्त आयोग की स्थिति देखी कि केंद्र व राज्य के मध्य वित्त के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन होता है और ये 5 सदस्यीय संस्था है। ठीक है, फिर हमने देखा इसके कार्य क्या क्या हैं, तो केंद्र और राज्य के मध्य जो राजस्व उसके बंटवारे के संबंध में सलाह देना, केंद्र के द्वारा राज्यों को जो सहायता अनुदान दिए जाते हैं उनके विषय में सलाह देना, राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई कार्य सौंपे जाए तो उन कार्यों को करना, पंचायतों व नगरीय निकाय जो संस्थाएं हैं उनके वित्तीय स्रोतों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के सुझाव देना, तो ये वित्त आयोग के कार्य हमने देखे। फिर हमने देखे आपातकाल की स्थिति में वित्तीय संबंधों की क्या स्थिति हो जाती है, तो 3 प्रकार के आपातकाल 352, 356 और 360। तो 352 में राष्ट्रपति के पास शक्ति आ जाती है कि वो राजस्व वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन कर सके। 356 के तहत राज्य के वित्तीय मामलों के सभी निर्णय केंद्र के द्वारा लिए जाते हैं और राज्य का बजट भी केंद्र पारित करता है। 360 के तहत केंद्र राज्य को वित्तीय औचित्य से संबंधित सिद्धांतों के पालन का निर्देश दे सकता है। ठीक है, जिसमें वेतन भत्तों की कटौती और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले वीडियोस में मैं देखूंगा केंद्र राज्य के मध्य जो विवाद के मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे, केंद्र राज्य के मध्य किन-किन मुद्दों पर विवाद की स्थिति बनती है, तो उनका समाधान कैसे हो सकता है। धन्यवाद।